वेलकम एवरीवन स्पोकन इंग्लिश कोर्स में स्वागत है आपका स्पोकन इंग्लिश कोर्स में। आज हम इजीएमआर का यूज सीखेंगे। दिस इज डे 5। टू बी का मतलब होता है होना या होने वाला, और टू बी का फॉर्म चलता है एक, इसका डिफरेंट रूप होता है। तो प्रेजेंट में इजीएमआर होता है, इजीएमआर प्रेजेंट टेंस में होता है, वाज और वर पास्ट टेंस में होता है। तो यूज ऑफ इज के बारे में आप देखते हैं, आज देखते हैं। स्टार्टिंग में इजम आ रहा है तो पहले इज से स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं इज का यूज कहाँ कहाँ पर होता है। तो नंबर वन, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल पहले देखते हैं। रूल नंबर वन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का ये रूल हमेशा वैलिड रहेगा, को अच्छे से याद कर लेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, कर्ता का मतलब क्या है कि जो किसी काम को कर रहा, जिसके बारे में बात की जा रही है वही है कर्ता। उसके बाद वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया कि वह क्या काम कर रहा है, क्या मतलब क्या है, क्या कर रहा है भाई, तो वो है क्रिया। ऑब्जेक्ट मतलब जो बचा हुआ चीज़ है या जो कुछ एक्स्ट्रा बचा हुआ सेंटेंस है, वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो आइए अब अगला रूल देखते हैं। रूल नंबर टू, ही सी इट और एक वचन सब्जेक्ट के साथ में इच का प्रयोग होता है। ही सी इट, ही का मतलब वह लड़का, मतलब मेल जेंडर के लिए। सी मतलब फीमेल जेंडर के लिए यूज होता है, सी का यूज। और इट मतलब सामान्यतः निर्जीव वस्तुओं के लिए यूज होता है। तो ही सी इट और एक वचन सब्जेक्ट के साथ में इच का प्रयोग होता है। अब आइए अगला रूल देखते हैं, अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले वह बहादुर है, तो किसके बारे में बात किया जा रहा है, वह के बारे में बात किया जा रहा है। वहाँ पर कोई होगा उसके बारे में बात किया जा रहा होगा। तो इस सेंटेंस में वह सब्जेक्ट है क्योंकि वह के बारे में, वहाँ पर कोई होगा उसके बारे में बात किया जा रहा है, तो यह सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, तो ही हम मान लेते हैं। अब वर्ब है इच क्योंकि एक वचन है इस हीट के लिए। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ब्रेव मतलब बहादुर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वह एक अच्छी लड़की है। इस सेंटेंस में वह सब्जेक्ट है क्योंकि उसके बारे में बात किया जा रहा है। अब वह इसमें ही नहीं लिखेंगे क्योंकि सी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर लड़की बोल भी दिया है। अब इसमें सबसे पहले लिखेंगे सी, अब उसके बाद इज क्योंकि एक ही लड़की है, उसके बाद एक लड़की है ये ए, और अच्छी लड़की का मतलब होता है गुड गर्ल। तो सी इज ए गुड गर्ल। अगला है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब नकारात्मक वाक्य। तो इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये सिंपल एकदम से अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह से रूल है, लेकिन यहाँ पर नॉट आ जाता है वर्ब के बाद में, क्रिया के बाद में। तो इस सेंटेंस में हम जब इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं इच का यूज, तो इच के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे अगर नेगेटिव सेंटेंस है। अब एग्जाम्पल के साथ, वह बहादुर नहीं है। तो सबसे पहले हमने अफर्मेटिव में सेम सेंटेंस मैंने ले लिया है, तो ही इज ब्रेव था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही फिर इज लगाएंगे फिर नॉट ब्रेव, तो इज के बाद में नॉट लगा दिए, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ही इज सब्जेक्ट, ही फिर इज वर्ब फिर नॉट फिर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह एक अच्छी लड़की नहीं है। तो ये सेम अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह होगा, तो सी इज सेम रहेगा फिर इज के बाद नॉट आ जाएगा, सी इज नॉट ए गुड गर्ल। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। दिस वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा है, वह है प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसका रूल पहले हम रूल ही पढ़ेंगे जिससे आसान हो जाए। तो रूल वन है, अगर वाक्य क्या से शुरू होता है, तो हमारा रूल है वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या था, ये अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही रूल है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज है, वर्ब जो बीच में आता था वर्ब पहले चला गया और बाद में क्वेश्चन मार्क आ गया। तो सिंपल है, वर्ब को सबसे पहले लिखेंगे फिर सब्जेक्ट लिखेंगे फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो अब आइए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, क्या वह बहादुर है, क्या से स्टार्ट हो रहा है। रूल में क्या था कि सबसे अगर क्या वाक्य से शुरू होता है, मतलब क्या है, ठीक है।
तो सबसे पहले वर्ब क्या है इज, क्योंकि एक ही वाह के बारे में बात किया जा रहा है, लड़का है तो ही, तो इज हो गया वर्ब। अब सब्जेक्ट ही, इज ही, अब ऑब्जेक्ट ब्रेव, अब क्वेश्चन मार्क, तो इज ही ब्रेव। नेक्स्ट है क्या वह एक अच्छी लड़की है, तो इसमें क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो इज हो गया वर्ब, फिर सी सब्जेक्ट है, ये गुड गर्ल, तो इज सी ए गुड गर्ल, तो इज सी ए गुड गर्ल, तो क्या वह एक अच्छी लड़की है। अब आइए अगला देखते हैं रूल। रूल टू है यदि वाक्य के बीच में प्रश्न शब्द, प्रश्न शब्द का मतलब क्या होता है, व्हाट, व्हाट मतलब क्या, वाई मतलब क्यों, हाउ मतलब कैसे, व्हेन का मतलब कब, व्हेयर का मतलब कहाँ, व्हिच मतलब कौन सा, हु का मतलब कौन आता है, तो उसकी अंग्रेजी को सबसे पहले लिख देते हैं। तो रूल क्या था, वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर क्या से वाला रूल में बोल रहा था अभी, क्या से स्टार्ट होने वाले वाक्य, तो इसमें अगर बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ गया जैसे व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, व्हेयर, व्हिच या हु, तो इस प्रश्न शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, तब फिर हम क्या लिखेंगे, रूल देख लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा, फिर वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो चेंज क्या हुआ, केवल क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख देंगे, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेम रूल है, वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब आइए एग्जाम्पल के साथ में देख लेते हैं। वह बहादुर क्यों है, तो इसमें क्यों आ गया, तो क्वेश्चन वर्ड है क्यों, क्यों का मतलब क्या होता है, व्हाई, तो सबसे पहले व्हाई लिखेंगे, तो व्हाई सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद वर्ब, तो वर्ब इज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वह ही, उसके बाद ऑब्जेक्ट ब्रेव, फिर क्वेश्चन मार्क, तो व्हाई इज ही ब्रेव, तो वह बहादुर क्यों है। नेक्स्ट एग्जांपल के साथ में देखते हैं, वह एक अच्छी लड़की कैसे है, तो इसमें आपको पता चल रहा कैसे क्वेश्चन वर्ड है जो कि सेंटेंस के बीच में आ रहा है, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, तो कैसे का मतलब हाउ। अब हम, तो हाउ इज वर्ब हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट का मतलब लड़की है सी, लड़की के लिए वह का जो यूज होता है सी। अब नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट, ये गुड गर्ल, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, तो हाउ इज सी ए गुड गर्ल, वह अच्छी लड़की कैसे है, वह एक अच्छी लड़की कैसे है। आइए अगला रूल देखते हैं, रूल थ्री, यदि वाक्य के बीच में प्रश्न शब्द, हाउ मैनी कितने, हाउ मच कितना, हुज मतलब किसका, विच मतलब कौन सा आता है, तो सब्जेक्ट के साथ आता है, तो इसके बगल में हम सब्जेक्ट लगाते हैं। अब कहने का मतलब क्या है, यदि वाक्य के बीच में प्रश्न शब्द जैसे कितने आए, कितने मतलब हाउ मैनी, हाउ मैनी का मतलब क्या होता है, कितना, कितना मतलब हम उसको अगर काउंट कर सकते हैं तो हाउ मैनी लगाएंगे, काउंटेबल है, जैसे कितना लोग खेत में काम कर रहे हैं, तो आदमी काम करते हैं तो उसको हम काउंट कर सकते हैं। क्वांटिटी जब बताता है, हाउ मतलब कितना, हाउ मच जैसे पानी, कितना पानी है गिलास में, तो हम काउंट नहीं कर सकते कितना पानी है, तो इसका मतलब क्या है, हाउ मच मतलब कितना, ये क्वांटिटी बता रहा है, लीटर मतलब क्वांटिटी है। नेक्स्ट है हुज, हुज मतलब किसका, किसका मतलब किसी के बारे में बात किया जा रहा है वो पता नहीं है, हुज मतलब किसका, विच मतलब कौन सा, विच मतलब कौन सा, कितना, हाउ मैनी, हाउ मच मतलब कितना, जो हाउ मैनी का काउंट कर सकते हैं नंबर वन बाय वन, हाउ मच का वन बाय वन काउंट नहीं कर सकते हैं, क्वांटिटी होता है। अगला है हुज मतलब किसका या हुइच मतलब कौन सा आता है, तो उसके साथ में सब्जेक्ट लगा देते हैं, तो रूल चेंज हो जाएगा इस केस में। तो सबसे पहले हम क्या लगाते थे, क्वेश्चन वर्ड प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन अब क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट पहले चला आएगा, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसमें क्या चेंज हुआ, जो सब्जेक्ट वर्ब के प्लेस पे रहता था वो वर्ब और सब्जेक्ट इंटरचेंज हो गए, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट। तो कहने का मतलब क्या है, जो ये चार क्वेश्चन वर्ड हाउ मैनी, हाउ मच,
हुज या हुई चाहता है, तब सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट और वर्ब इंटरचेंज हो जाते हैं, मतलब सब्जेक्ट पहले चला आएगा फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। तो रूल क्या हुआ, क्वेश्चन वर्ड फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आइए एग्जांपल के साथ में देखते हैं, कक्षा में कितने लड़के हैं, तो इसमें सबसे पहले कितना लड़का मतलब काउंट कर सकते हैं, कितने हाउ मेनी का मतलब होता है कितने लड़के, तो इसको लड़कों को काउंट कर सकते हैं, तो हाउ मेनी आएगा, तो हाउ मेनी फिर सब्जेक्ट क्या रहेगा, लड़के के बारे में बात की जा रही है तो सब्जेक्ट हो गया बॉयज, तो हाउ मेनी बॉयज एक के साथ में सब्जेक्ट आएगा, फिर आर आया क्योंकि आर मतलब बहुत सारे लड़के होंगे ना, तो बॉयज है बहुवचन हो गया, तो यहाँ पे आर आता है बहुवचन के लिए। इन द क्लास, तो हाउ मेनी बॉयज आर इन द क्लास, कितने लड़के हैं कक्षा में, ओके कक्षा में कितने लड़के हैं, ओके। अगला आप देखते हैं गिलास में कितना पानी है, तो इसमें क्या आएगा हाउ मच आएगा क्योंकि क्वांटिटी है, गिन नहीं सकते उसे हम वन बाय वन करके, तो हाउ मच वाटर इज इज। अब उसके बाद इन द ग्लास, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हाउ मच आता है ना तो वो एक वचन हो जाता है, और हाउ मेनी बॉयज मतलब हम बहुत सारा बहुवचन है तो वहाँ पर आर आता है, तो इसका मतलब क्या है कि मोस्टली हाउ मेनी के साथ में बहुवचन चीज आता है क्योंकि बहुत सारा होगा काउंट कर सकते हैं, हाउ मच के साथ में क्या आता है एक वचन, मतलब एक वचन के रूप में एक्ट करता है, हाउ मच एक वचन, हाउ मैनी के साथ बहुवचन के रूप में एक्ट करता है। अब आए अगला देखते हैं, यह पुस्तक किसकी है, मतलब हुज किसके के लिए, हुज मतलब हुज, अब इसके साथ बुक लगाएंगे, हुज बुक इज दिस। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा पेन लाल है, तो कौन से के लिए हुज का यूज होता है, तो हुज पेन, अब एक ही पेन होगा जो लाल होगा तो वो है होते तो वो ढेर सारा पेन होता, तो व्हिच पेन इज रेड, ओके। अगला है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, तो इसमें क्या पता चल रहा है कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ निगेटिव भी हो तो उसका क्या रूल रहेगा, तो एग्जांपल देखते हैं, रूल देखते हैं पहले, हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ें, तो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव हो जाता है तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, तो वर्ब के बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है उसमें नॉट लग रहा है, ऐसा नहीं है कि हाउ मैनी हाउ मच के साथ में नॉट लगा देंगे, हाउ मच नॉट, वर्ब आएगा तब सब्जेक्ट आएगा तब नॉट आएगा, अगर हाउ मैनी हाउ मच आया इसके साथ में तो वर्ब के बाद ही लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट आगे उड़ गया तो वर्ब के बाद लगेगा, ओके। एग्जांपल देखते हैं, क्या वह बहादुर नहीं है, तो क्या है सबसे पहले वर्ब, तो वर्ब इज, अब उसके बाद वह मतलब ही सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ब्रेव मतलब ऑब्जेक्ट। अगला है वह एक अच्छी लड़की कैसे नहीं है, तो हाउ, हाउ इज मतलब वर्ब, हाउ मतलब कैसे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आया तो क्वेश्चन वर्ड मतलब हाउ, फिर इज मतलब वर्ब, फिर सब्जेक्ट मतलब सी मतलब वह, हाउ इज सी, अब सब्जेक्ट आ गया, अब नॉट लगा सकते हैं, नॉट ये गुड गर्ल, तो इस सेंटेंस में हाउ इज सी नॉट ये गुड गर्ल, तो नॉट मतलब इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया, ओके। अपनी इंग्लिश को और बेहतरीन बनाने के लिए शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक करें एंड स्टार्ट नाउ बिकॉज टुमारो नेवर कम्स चैनल पर, और बहुत सारे वीडियोज हैं और प्लेलिस्ट बने हुए हैं, जाकर उनका फायदा उठाइए, स्पेशली 365 डेज प्लेलिस्ट।